और इसी किले से होते हुए अंदर आपको दिख रहा होगा ये मेट्रो की वजह से बंद कर दिया चौराहे पे, यहाँ गेट था बिल्कुल सामने। अच्छा यहाँ भी मेट्रो बन रही है? हाँ जी। शूज कवर कितने के हैं ये? 10 रुपए का है, जूते चप्पल का कवर। पीछे पूरे का आ रहा है, चार बार सवारी है। यहाँ किला एक ही झूमर से लटक रहा है और यहाँ पे है कि असली भीड़ तो भैया अब स्टार्ट हुई है। यहाँ हमारा आ गया है ताजमहल। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और होटल हमारा तो काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फॉरनर्स वगैरह भी थे। देखते हैं कैसा होता है यहाँ पर। लिए और बटर और चाय लिए और होटल काफ़ी अच्छा है, मतलब होटल का मैं देख रहा था तो होटल जो है ना, होटल की रेटिंग वगैरह नेट पे किसी लोगों ने बोला था कि इतना अच्छा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। टाइम हो रहा है 8:30 और मैंने अभी अपनी कैब जो है वो बुक करी है होटल हमारे से लेके ताजमहल के लिए। तो अब कैब नीचे आती है, वहाँ चलते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं कि ताजमहल का पूरा प्रोसीजर वो भी सुबह में 8:30-9 कैसा रहता है। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है होटल अमर। कल रात करीब मैं 2 के आसपास आया था और कैश जितना था मैंने सब इन होटल पे दे दिया, तो हार्डली 100-200 रुपये पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि होटल के पीछे ही ATM है, वहाँ से निकाल लो। हमारे साथ भैया यही होता है, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, नो कैश, सारी दिक्कत जो होती है ना वो हमारे साथ ही आती है, लेकिन एंड में काम भी हो ही जाता है। तो अब वापस होटल चलते हैं, पूछते हैं उससे कि दूसरा ATM कहाँ पर है। अब देखो इसमें आपका चेहरा भी दिख रहा है, मेरा चेहरा भी दिख रहा है, ठीक है, और देखो पीछे पूरे का आ रहा है, सही बात है, चार बार सवारी है ना। और इसमें यह है कि इसकी क्वालिटी फ़ोन से अच्छी होती है। उसके बाद फिर इसका चिप निकालो और फ़ोन में लगाओ, कहीं भी लगाओ, कुछ भी करो। टिकट मिल रहा था ताजमहल का। अच्छा इधर काम चल रहा है अभी, ये गेट खुला रहता था पहले। अच्छा ये मेट्रो की वजह से बंद कर दिया चौराहे पे, यहाँ गेट था बिल्कुल सामने। अच्छा यहाँ भी मेट्रो बन रही है? हाँ जी, मेट्रो का ही काम चल रहा है। मेट्रो से ये फायदा है कि सस्ता पड़ जाता है थोड़ा, ऑटो कभी यहाँ जरूरत नहीं थी वैसे। तो कैब वाले भैया ने एंट्री के अंदर उतार दिया है। शूज कवर कितने के हैं? 10 रुपए का है, जूते चप्पल का कवर, एक जोड़ी निकलता है, जोड़ी है। मास्क है? मास्क भी नहीं है। मास्क भी चाहिए क्या? हाँ, शूज कवर मास्क दोनों जरूरी है। मास्क कितने का है? 10 का, 5 का मिलता है अंकल। यार बेटा कोई नहीं। तो हाँ मैं आपको बता रहा था कि कैब वाले जो भैया हैं, मतलब क्योंकि छोटा शहर है ना तो काफ़ी लोग फ्रेंडली और मदद कर देते हैं, दिल्ली वगैरह में तो कोई करता नहीं है। तो जो भैया हैं उन्होंने मेरे को एंट्री जो गेट नंबर शायद 1-2 ऐसे कुछ था उस पर उतारा है, और बोल रहे थे कि 9 के बाद कार की एंट्री अलाउड नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी आपका उतार दिया है। और उसके बाद उन्होंने तरीका ही बताया कि ई रिक्शा करके कैसे कैसे जाना है। तो अभी देखो मैं ये यहाँ से जा रहा हूँ। बोल रहे थे ऑनलाइन टिकट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में फिर रश जो है आपको मिलेगा नहीं इतना। बाकी अभी तो इतनी भीड़ तो मुझे नहीं लग रही है, सही ही लग रहा है। और इस तरफ ये दुकानें वगैरह फील आ रही है, मतलब शांति काफ़ी से लग रही है भीड़ होने के बाद भी। अभी तो खैर इतनी भीड़ नहीं है। कैब वाले भैया ने मुझे बताया था कि अभी 8-9 तक ना इतनी भीड़ होती नहीं है, 10-11 के बाद आती है। हम आ गए हैं एंट्री के पास। कैब बुकिंग सेंटर, पुरुष जेंट्स 50 रुपये, महिला लेडीज 50 रुपये। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है जितना लगा था मुझे कि होगी। देखो ये लाइन है, ये देखो। तो ये टिकट ले लिया है मैंने, और इसके साथ एक ये टोकन भी दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये टोकन दिया है एक, और ये है टिकट। टिकट पे कुछ अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का ही। एक किला ये भी है जैसे आप देख रहे होगे, थोड़ा दूर दिख रहा है लेकिन पास ही है। और ये आपका सिक्योरिटी चेक हो रहा है, और नेट पे दिखाते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे कि ये सामान अलाउड नहीं है, वो सामान अलाउड नहीं है। यहाँ पे सब सामान अलाउड है, GoPro में लेके आया, बाकी फ़ोन वगैरह वॉलेट वगैरह वो तो अलाउड ही है। अगर कुछ स्पेशल आपको लाना है, ट्राइपॉड वगैरह, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होगी।
ये है किला, और इसके साइड में जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक किला ये भी है, ये थोड़ा छोटा है, और इसी किले से होते हुए अंदर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये है ताजमहल का, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और हम लोग जो आए हैं वो इस तरफ से ऐसे आए हैं, यहाँ से वहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये यहाँ से आपका सिक्योरिटी है, उसके बाद सीधे ऐसे आना है, फिर आपको ऐसे जाना है, और फिर ऐसे जाके यहाँ पे है, और उधर दूसरा एग्ज़िट का गेट है, और इस तरफ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे मैं 8:30 बजे 9 बजे आया हूँ, 11 बजे तक आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई रश के साथ, और माहौल बहुत अच्छा है, कहीं पर भी आप देख रहे होंगे बैठ सकते हैं आप। चलते हैं अंदर, और ये आपको दिख जाएगा फ़ोटो का दिख रहा होगा आपको। भैया एक फ़ोटो कितना चार्ज है? 50 रुपये। इसके बाहर भी, किले के बाहर भी आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, वरना अगर जैसे काफ़ी लोग ये खिंचवा रहे हैं, आप यहाँ पे खिंचवा सकते हैं। उसके बाद ये आ गए हम किले के अंदर, ये देखो ये रहा किला, एक ही झूमर से लटक रहा है, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और इसके सामने हमारा आ गया है ताजमहल। तो जैसे ही मैं अंदर घुस रहा था ना ताजमहल का, जो मैंने एंट्री आपको अभी दिखाया, तो वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी था, तो उसने कहा कि आप वीडियो बना रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है आपके पास परमिशन है? मैंने कहा नहीं, परमिशन तो नहीं है। तो कह रहा है ऐसी जो आप वीडियो बना रहे हो उसके लिए परमिशन चाहिए। तो उसके बगल में ये था, इन्होंने मेरे को ये दिया वीडियोग्राफी फ़ी रिसिप्ट, ये दिए मुझे 25 रुपये इसके लिए लिए हैं, और नाम वगैरह जो है वो इसके अंदर लिखवाया है। और ये देखो ये रहा ताजमहल, काफ़ी दूर दिख रहा है वाइड एंगल से, लेकिन वैसे बहुत पास है। और इसके अलावा ना यहाँ पे दूर से देखने में, अभी क्योंकि सूरज उगा ही है और अभी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हुई है, तो ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ पेंटिंग टांग दी है, असली में है नहीं, इतना ज़्यादा सुंदर है। इस एरिया में मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये काफ़ी शांत जगह है, आज ही शांत, मतलब कम भीड़ है या फिर रोज़ रहती है मुझे आइडिया नहीं है। इसका एंट्री है, उसके बाद फिर ये सीधे ताजमहल है। जितनी भीड़ आपको दिख रही है ना यहाँ पे दिख रही है, बस हल्का सा यहाँ से चल के आना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये टूर गाइड है, ये कोई अपना इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेजेस में उनको समझा रहे हैं, बाकी यहाँ पे आपको सीधे मिल जाता है, पूरा खाली है यहाँ पे। ये थोड़ा बगीचा टाइप है, इधर भी पूरा घूम सकते हैं, लेकिन मेन जिसके लिए हम आए हैं एक बार वहाँ पे, अब देख के लग रहा है कि असली भीड़ तो भैया अब स्टार्ट हुई है यहाँ पर आना, अब तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई है। और यहाँ पर ये थोड़ा फ्लावर वगैरह मतलब गार्डन बना है, उसमें अलग अलग तरीके के फूल वगैरह जो हैं लगे हुए हैं। और हाँ, धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो मतलब मज़ा थोड़ा किरकिरा हो रहा है धूप की वजह से, इसलिए मेरे को जो होटल वाले ना बोल रहे थे कि आप या तो 6 बजे जाओ, सनराइज़ वगैरह रहता है तो बहुत सही रहेगा, या फिर आप बाद में जाओ, धूप के टाइम मत जाओ। पहले जो ये पेड़ देख रहे हो ना आप लोग, तो ये पेड़ काफ़ी बड़े होते थे, जो यहाँ से वहाँ से खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाता था DSLR से, तो थोड़ा सा अजीब लगता था, अजीब मतलब बड़े बड़े लगते थे, इसलिए इनको थोड़ा चॉप कर दिया, थोड़ा काट दिया। ये देखो आप पूरा इनको सेट कर दिया है, ताकि ताजमहल का जो व्यू है या फ़ोटो वगैरह में ताजमहल ब्लॉक नहीं हो। हमने 50 रुपये का टिकट लिया था, वो तो एंट्री का था, वो तो यहाँ तक हो गया है। उसके अलावा ये फिर ये रोड जा रही है, मतलब ये पूरा लाइन बनी हुई है, इधर से जाके आपको ऐसे जाना है, फिर एक किला ये है और एक किला ये है, और यहाँ से जाके फिर ऊपर आपको जो यमुना नदी है वो आपको बहती हुई वहाँ उसके पीछे मिलेगा, और वहाँ फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आती हैं। और यहाँ से चढ़ के हम ऐसे ही ऊपर आ गए हैं, और यहाँ से आपको ये टिकट मिलेगा 200 रुपये का। और उसके बाद ये ताजमहल का पीछे की साइड है, और इसके इधर जो है यमुना नदी बह रही है, ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर ये देख रहे होगे आप, यहाँ पे एंट्री है, और उसके बाद फिर ताजमहल के आप अंदर जा सकते हैं। ताजमहल के पीछे की साइड, और ये है आपका यमुना नदी यहाँ पर बह रही है, और ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये बैरिकेड लगा दिया है, मतलब ये ताजमहल वाली ज़मीन है, लेकिन यहाँ पे एंट्री वगैरह अलाउड नहीं है। और उसके अलावा दूर अगर थोड़ा आप देखोगे ना यहाँ पे, मतलब ये शायद कैमरे में आ नहीं रहा होगा, लेकिन ये आपको वो दिखेगा लाल किला जो है, ये आपको वाला रेड फोर्ट जो है वो दिख जाएगा। और ये यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, तो ताजमहल के अंदर एंट्री कर दी है 200 रुपये का टिकट लेने के बाद। इसके अंदर वीडियो शूट करना मना है, तो यहीं तक मैं आपको दिखा सकता हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई, जबकि 10 बजे का ही टाइम हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इस तरफ थोड़ी छांव आ गई है, तो काफ़ी लोग इस तरफ बैठे हैं। यहाँ पर धूप ज़्यादा तेज़ है, कुछ अंदर चले गए हैं, उसके बाद फिर पीछे एक किला आपको दिख जाएगा, और एक किला ये दिख जाएगा।
किले के अंदर या किले के जो बाहर आउटसाइड होता है वहाँ पे अलाउड नहीं है मतलब एंट्री करना, लेकिन बाकी बाहर से आप देख सकते हैं। तो ताजमहल के अंदर जब आप जाएंगे तो उसका जो वीडियो और फोटोग्राफी है वो अलाउड नहीं है, मना है। लेकिन वहाँ पे मतलब खड़े हुए थे पुलिसकर्मी भी खड़े हुए थे और बाकी जो स्टाफ होता है वो भी खड़ा हुआ था और लोग फ़ोटो भी ले रहे थे, वीडियो भी ले रहे थे। मैंने पूछा भी कि वीडियो तो और फ़ोटो तो मना है, तो कह रहे नहीं लोग लेते हैं, इन लिखा हुआ है हर जगह लेकिन तब भी लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ताजमहल के अंदर घुसेंगे ना, एक तो आपको मकबरा जो है वो दिख जाएगा, उसके बाद एक दो गैलरी जो है वो कर रखी हैं और नीचे जाने की जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वो उन्होंने लॉक कर रखी हैं, बंद कर रखी हैं। तो पूरा उन्होंने टूरिस्ट के हिसाब से कर रखा है, लिमिटेड एरिया को उन्होंने कवर करा हुआ है वहाँ पर। इधर से आपका ये एंट्री होगा, एंट्री के बाद इस तरफ अंदर आप जाएंगे, फिर पीछे की तरफ से निकलेंगे, फिर ऐसे यूँ घूमते हुए या फिर इस तरफ से घूमते यहीं पर वापस आ जाएंगे एंट्री की तरफ, फिर इधर से नीचे जाके या तो इस किले की तरफ जो बचा हुआ है यहाँ जा सकते हैं, या फिर एक किला वो उस तरफ है वहाँ जा सकते हैं, फिर आपका ये एग्जिट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था ना कि देख के लग रहा है कि थोड़ा छोटा है, ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है भैया। अभी 10:30 का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 घंटे मैंने यहाँ पे स्पेंड करे हैं, पूरा घूमा हूँ मैं, और 2 घंटे में ऊपर नीचे ऊपर ताजमहल के जाओ और धूप इतनी तेज़ हो रही है तो चलना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। GoPro से मैं अभी तक शूट कर रहा था तो उसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई, ऑलमोस्ट शूट कर लिया है इसने, 1 घंटा ऑलमोस्ट चला है ये। हाँ गर्म काफ़ी हो जाता है ये, लेकिन चला पूरा। तो ताजमहल के जो एग्जिट के गेट है ना वो 3 है, मुझे नहीं पता एंट्री के भी 3 गेट है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो टिकट वगैरह बिक रहा था वो एक गेट जो है वहाँ से बिक रहा था। गेट है जिस तरफ से हम लोग आए थे और ये फिर इसके अंदर जाके ताजमहल है, उसके बाद फिर दूसरा गेट ये आपको यहाँ मिल जाएगा और फिर तीसरा गेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो कि जब आप ताजमहल आने का सोचे तो क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा सनसेट का सनराइज़ का वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं ताजमहल की हिस्ट्री को लेके, इन्फॉर्मेशन और फैक्चुअल चीज़ों को लेके, बट एक तो टाइम की थोड़ी कमी है और टूर गाइड आपको हाइड करना पड़ेगा कि मुझे खुद इतनी नॉलेज चीज़ को लेके इसकी हिस्ट्री को लेके नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसी के साथ ही अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और हाँ अपने सपने पूरे करते रहें। गुड बाय एंड सायोनारा। GoPro मैंने नया नया लिया है, पहली बार इसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, वाइड एंगल तो अच्छा आ रहा है इसमें, लेकिन मुझे आदत नहीं है ना कि कहाँ देखना है स्क्रीन पे इधर। एक बात इसकी सबसे अच्छी है कि हाथ में पूरा ऐसे मुट्ठी के अंदर आ जा रहा है, उसके बाद शूट कर रहा हूँ। अभी तक एक जने ने नोटिस भी नहीं किया कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और फ़ोन से करो तो साला 10 दिक्कत होती है कि स्क्रीन दिखती है, कभी कोई रोकता है, कभी कुछ होता है।